नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कृषि फसल और नॉन एग्री कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1829 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और जो चांदी है, जो सिल्वर है, वो आधे फीसदी की तेजी के साथ $23 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज डॉलर में हल्की सी नरमी देखने को मिली है, रुपया मजबूत हुआ है, जिसका सपोर्ट गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। कल के मुकाबले आज सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। कीमतों में आज के कारोबारी सत्र में कल के मुकाबले कुछ सुधार देखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव चल रहा है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसके चलते भी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता नज़र आया है। आपको बता दें कि भारत के अंदर ज्वेलरी की जो डिमांड है वो बढ़ी है साल 2021 में, और 2022 में भी बढ़ने का ही अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि साल 2020 में लॉकडाउन लगा था, काफ़ी सारे प्रतिबंध थे, जिसकी वजह से जो शादी ब्याह का जो माहौल था वो थोड़ा टाला गया था, शादी ब्याह कम देखने को मिले थे, जिसकी वजह से ज्वेलरी की जो डिमांड है वो थोड़ी कम रही थी। लेकिन साल 2021 में जैसे जैसे प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी गई, थोड़ा लॉकडाउन हटाया गया, फिर धीरे धीरे डिमांड बढ़ी। वहीं साल 2022 में देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन आने के बावजूद भी जो कोरोना के केसेज हैं ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आगे भी साल 2022 के अंदर भी सोने चांदी की जो डिमांड है, जो ज्वेलरी की इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो आज के कारोबारी सत्र में ऐसी सिचुएशन के अंदर सोने चांदी में बिकवाली करना सही रहेगा या खरीदारी, ये जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कल के मुकाबले कीमतें कुछ सुधरती नजर आई हैं, रुपया मजबूत हुआ है, ऐसे में आपका क्या मानना है, आज इंट्राडे में गोल्ड और सिल्वर कैसा ट्रेड करते नजर आ सकते हैं और क्या लेवल्स रह सकते हैं? देखिए, इंट्राडे में गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव ही रह सकते हैं, और जो लेवल्स की बात है, लेवल में भी एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक बार सेफ हेवन डिमांड एक बार फिर से निकलती हुई दिखाई दे रही है, और गोल्ड जो है अपने वीकली हाई पर पहुंच चुका है, और अब यहाँ से 1839 के बाद $1840 तक की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है कि एक बार गोल्ड के अंदर बाइंग में ही रहना चाहिए, और अभी जो लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें लगता है कि करंट लेवल से 100 से 150 रुपए का उछाल जो है इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। 48,600 तक एक अपसाइड मोमेंटम फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। 48,400 के आसपास बाइंग किया जा सकता है, 48,200 के स्टॉप लॉस के साथ, और 48,600 तक के ऊपर के लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं। सर, यहीं से रूपा जी बात करें अगर अब क्रूड ऑयल की, तो देख रहे हैं कि WTI $89 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $91 पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि ब्रेंट जो कि $94 तक जा चुका था, अब $91 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, WTI भी थोड़ा लुढ़का है। हालांकि जो कीमतें हैं वो तेज ही हैं, अट्रैक्टिव हैं, अच्छी हैं, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी कम है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, ये जो US ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि अगर यहाँ पे डील हो जाती है तो मार्केट्स के अंदर जो कच्चे तेल की जो सप्लाई रहेगी वो बढ़ सकती है, ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या इसकी वजह से कच्चे तेल में ये जो करेक्शन है थोड़ी सी वो देखी गई है, या फिर यहाँ से बाजार एक बार फिर से उठ सकता है? देखिए, जहाँ तक कच्चे तेल का सवाल है अखिलेश, ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अभी अंदर एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऑयल प्राइसेस जो है एक बार वहां से थोड़ा सा प्रेशर दिखाते हुए नजर आ सकते हैं अगर सप्लाई बढ़ती है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई भी सिनेरियो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, अभी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का करेक्शन जो है बाजारों में देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, और जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अभी माना यह जा रहा है कि कच्चा तेल जो है $90 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब एक लंबी तेजी एक बार फिर से पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आज हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में एक बार $90 से नीचे लुढ़क चुका है WTI, लेकिन अगेन एक्सपेक्टेड है कि $90 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ सकती है, और ऊपर में $92 से $95 की अपसाइड पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट में भी करंट लेवल से 3 से
$5 की तेजी एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकती है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो डोमेस्टिक मार्केट में भी कच्चा तेल एक बार अपसाइड मोमेंटम में जा सकता है और जो लेवल्स हमने एक्सपेक्ट कर रखे हैं कि ऊपर में एक बार 6800 से 7000 का स्तर हो सकता है कि आपको अगले वायदा में देखने को मिले। फरवरी की एक्सपायरी है लेकिन फरवरी की एक्सपायरी भी अभी 6600-6700 के आसपास फिलहाल होती हुई दिखाई दे सकती है जी। यूजर रुपये जी बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर में ठीक ठाक लेवल्स पर है इंटरनेशनल मार्केट में। बात करें घरेलू की तो घरेलू वायदा में MCX, जिंक, निकल और लेड तीनों में ही तेजी देखने को मिल रही है, हरे निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग आज बेस मेटल्स में क्या रुझान रह सकता है, क्या लेवल्स रह सकते हैं? देखिए बेस मेटल्स में पॉजिटिव रुझान है और आज भी एक्सपेक्टेड है कि बेस मेटल में एक अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। जहां तक कॉपर की बात करें तो कॉपर ऊपर में 700 की एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकती है। काफी सीमित दायरे में है कॉपर का दायरा, 752 से 760 की रेंज फिलहाल बनी रह सकती है। निकल की बात करें तो निकल में भी एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है और वो 1760 तक एक बार अपसाइड हो सकता है। तो फिलहाल बेस मेटल में पॉजिटिव है रुझान। जिंक में भी तेजी देखने को मिल सकती है, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से जिंक में भी एक अपसाइड मोमेंटम कॉन्टिन्यूशन में बना रह सकता है। वही एल्यूमिनियम यहाँ से अच्छा लग रहा है, एल्यूमिनियम भी ऊपर जा सकता है, 258 तक की तेजी एल्यूमिनियम के अंदर भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल बेस मेटल का रुझान पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अगेन बनाई जा सकती है और छोटे छोटे टारगेट अभी भी अपसाइड के देखने को मिल सकते हैं जी। रूपा जी बात करें अगर नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस देख रहे हैं $4.2 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, थोड़ी सी लुढ़की है पहले से जो हमने $5.9 पर जाते हुए देखी थी, अब वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है। आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में अब यहाँ से जो रुझान है तेजी की ओर ही रहने वाला है क्या, फिर यहाँ से जो करेक्शन है वो भी देखने को मिलती रहेगी? लेकिन नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार प्रेशर बढ़ सकता है और प्राइसेस नीचे स्लिप कर सकते हैं और नीचे में एक बार एक्सपेक्टेड है कि 280 तक नेचुरल गैस लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी टॉपिक्स क्या रहेंगे आज के लिए नॉन एग्री में आपकी तरफ से? देखिए नॉन एग्री की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आज निकल के अंदर 1760 के लिए बाइंग किया जा सकता है और निकल के साथ साथ कॉपर भी 760 तक एक बार ऊपर जा सकता है, तो बेस मेटल में बाइंग करके चला जा सकता है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।